श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में किसान कर्ज माफी को लेकर अपनी कब्र खोदकर पिछले 4 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। किसान हरिराम नायक की पत्नी ने लगभग 3 लाख का लोन नारवाली बैंक से लिया था, जिसकी टेंशन की वजह से किसान हरिराम नायक की पत्नी की मौत हो चुकी है और किसान खुद अपनी कब्र खोदकर सरकार से कर्ज माफी की अपील कर रहा है। लेकिन आज हद तब हो गई जब श्री गंगानगर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंकुर मिगलानी और जिला प्रमुख जिस जगह किसान कब्र खोदकर आंदोलन कर रहा है उससे 200 मीटर की दूरी पर एक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जिले के तमाम कांग्रेस नेता पहुंचते हैं। पर जब मीडिया ने इस किसान की मांग की बात जिला अध्यक्ष अंकुर से की गई तो उन्होंने साफ कह दिया, हमें इस किसान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि मामला मीडिया में आने के बाद प्रशासन कुछ हरकत में जरूर आया, पर सिर्फ किसान का स्वास्थ्य चेक करवा फिर उसी जगह छोड़ दिया। किसान 2018 के विधानसभा चुनाव की मांग पर अड़ा है, जो राहुल गांधी ने किसानों से कही थी कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ होगा, पर 2023 के विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, पर कर्ज माफी को लेकर अभी भी राजस्थान किसान अपनी खुद की कब्रें खोदने को मजबूर है।